नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन कुमार आपके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस और यूपी लेखपाल के लिए कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को लेकर आया जो कंपाउंड इंटरेस्ट से संबंधित है। आइए कंपाउंड इंटरेस्ट के पहले फॉर्मुलों को देख लेते हैं। जैसे अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल 1+r/100 की पावर n, कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होता है प्रिंसिपल 1+r/100 की पावर n-1, और सी आई अगर हमको फाइंड करना हो तो मिश्रण में से मूलधन को लेस कर देते हैं, वही सी आई होता है। वैसे तो हम फॉर्मुला बेस्ड सवाल करेंगे नहीं, ठीक है, फॉर्मुलों का यूज नहीं करेंगे हम सवालों में, डायरेक्ट सवालों को करेंगे, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज को हम सी आई से डिनोट करेंगे, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन को हम पी से डिनोट करेंगे, अमाउंट यानी मिश्रण को हम ए से डिनोट करेंगे, टाइम को हम एन से करेंगे, और दर को आर से डिनोट करेंगे, ठीक है। यानी कि मान के चलिए कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होती है, पहले प्रिंसिपल समझिए। प्रिंसिपल क्या होता है, उधार लिया गया धन या दिया गया धन प्रिंसिपल होता है, ठीक है। अमाउंट क्या होता है कि हम उसमें ब्याज के समय किसी व्यक्ति को चुकता कर दे वापस, यानी कि प्रिंसिपल तो हम देंगे, यानी कि जो उधार लिया गया धन होता है वही हमारा प्रिंसिपल होता है। हम प्रिंसिपल भी देंगे किसी को और उसके संग ब्याज भी देंगे, यानी कि सी आई, तो वही हमारा अमाउंट बन जाता है। यानी कि दोनों को मिलाकर हम किसी व्यक्ति को दे दें तो वही हमारा अमाउंट होता है। समय यानी कि जितने समय के लिए हमने उससे उधार ले रखा है, और दर यानी कि जितने जिस परसेंट से हमने उसको दर पे उधार दिया हुआ है दर, ठीक है। आइए इसके पहले कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक देखिए, 3,000 रुपए का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्रण ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपको क्वेश्चन में प्रिंसिपल फाइंड ऑलरेडी 3,000 रुपए आपको प्रिंसिपल दे रखा है, यानी कि मूलधन, रेट ऑफ परसेंट दे रखी आपको 20%, टाइम आपको दे रखा है 2 वर्ष का, आपसे पूछा है अमाउंट आपको फाइंड करना है। 20% का पहले फ्रैक्शन बनाते हैं, 20% का फ्रैक्शन बनाओगे तो 20/100, परसेंट का साइन हटाते हो तो नीचे डिवाइड होता है 100 का, आप इसमें डिवाइड लगाइए 20 से कम 20 और 20/100, नीचे वाली वैल्यू आपकी हमेशा प्रिंसिपल होगी। यानी कि मान के चलिए आपने किसी से 5 रुपये उधार लिए हैं, 20% की दर से ब्याज दिया, तो 1 साल में आपको जो ब्याज मिला है वो 1 रुपये मिला है, ठीक है। साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष का समान होता है, यानी कि हर साल जो साधारण ब्याज मिलता है वो समान मिलता है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और पहले वर्ष का साधारण ब्याज ही समान होगा, वरना अन्य वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज अलग होगा, ठीक है। जो भी चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा, यानी कि ब्याज पर ब्याज मिलती है चक्रवृद्धि ब्याज में, तो ब्याज हमेशा चक्रवृद्धि ब्याज जो होगा हमेशा अलग होगा, ठीक है। तो मान के चलिए आपको 1 साल में कितना मिल रहा है, 1 रुपये, ठीक है। तो हमको निकालना 2 साल का है, तो देखिए प्रिंसिपल में ये ब्याज को ऐड कर दीजिए, ये ब्याज है आपका, ब्याज को ऐड कर देंगे तो आपका क्या बन जाएगा, ऊपर अमाउंट बन जाएगा। 5 रुपये उधार लिए, 1 रुपये और दिया है, तो कितने दिए होंगे, 6 रुपये दिए होंगे आपने, तो ऊपर बन जाएगा आपका अमाउंट और नीचे हो जाएगा आपका प्रिंसिपल, ठीक है। 2 वर्ष का देना है तो आप दोनों पे स्क्वायर कर लीजिए, 3 वर्ष का होता तो क्यूब कर लेते, ठीक है। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, और 5 का होता है 25। नीचे वाली वैल्यू आपकी प्रिंसिपल है, ऊपर वाली आपकी अमाउंट है, ठीक है। इसमें से 36 में से आप 25 को घटा दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे अमाउंट में से प्रिंसिपल को अगर लेस करते हैं तो ब्याज मिल जाती है, कितनी हो जाएगी आपकी, 11 रुपये, तो ये आपकी ब्याज हो जाएगी। क्वेश्चन में आपको देखिए क्या दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है, और यूनिट में हमारा प्रिंसिपल कितना निकला, 25, तो ये इसके इक्वल रख दीजिए, ठीक है। कितना निकला, 3,000, आप इसका इसमें डिवाइड लगाएंगे तो देखिए 25 से कम 25, कितना बचा, 5, 25 2 50, यानी कि 120 टाइम जाएगा। आपसे क्वेश्चन में मिश्रण पूछ रहा है तो ऊपर अमाउंट है, कितना दे रखा है आपको, 36, इसी 120 का मल्टीप्लाई आप यहाँ करा दीजिए, तो इसका कराएंगे 12 6 72 2 कैरी 7, 12 4 36 36 और 7 42, यानी कि कितना हो जाएगा, 43,720 रुपये, ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए इसको हम दूसरे पैटर्न से भी करते हैं, दूसरे पैटर्न से करोगे तो आपके सारे के सारे आंसर एक बार में निकल जाएंगे, ठीक है। देखिए इसका फ्रैक्शन बनाओगे अगर आप 20% का, तो कितना बनाता है आपका, 1/5, नीचे वाली वैल्यू में आपको होता है वैसे प्रिंसिपल होती है, यानी कि प्रिंसिपल कितना मान लीजिए, 5 है आपके, ये वाली वैल्यू प्रिंसिपल होती है, 2 वर्ष का कह रहा है, तो आप इसका स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो जाएगा ये, 25, ठीक है। 2 ब्याज लग रही है तो इस पर 2 ब्याज लगा दीजिए आप, ठीक है। पहली ब्याज देखिए, फर्स्ट और सेकंड, पहली ब्याज जो है वो कितनी है, 1/5 लगाना पूरी, इसका 1/5 लगाओगे आप, और दूसरी भी 1/5, 25 का 1/5 निकालोगे तो 25 कितना आएगा, 5 ही आएगा, तो यानी पहले साल की जो ब्याज लगेगी वो 5 रुपये लग जाएगी,
दूसरे साल की भी जितनी लग जाएगी 5 रुपए लग जाएगी। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या होता है, ब्याज पर ब्याज। ये तो देखो पहले वर्ष की साधारण ब्याज होगी, दूसरे वर्ष की साधारण ब्याज होगी, समान होती है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या होती है, ब्याज पर ब्याज लगती है। तो देखिए ये वाली इससे पहले तो कोई ब्याज है नहीं, तो इसका इस पर तो कोई ब्याज लगेगी नहीं, लेकिन जो सेकंड ईयर वाली ब्याज है वो फर्स्ट ईयर की ब्याज पर लगेगी और सेकंड ईयर में प्राप्त होगी। तो देखिए इस पर ब्याज लगा दीजिए, कौन सी, ये वाली, कितनी लगेगी, 1/5। तो इस पर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 का 1/5 निकालेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका साधारण ब्याज, और ये आपका टोटल अगर जोड़ दोगे तो हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। 5 और 5 हो गया आपका ये साधारण ब्याज, 2 वर्ष का कितना हो गया 10, 5 5 और ये क्या हो गया 11, ये हो गया चक्रवृद्धि ब्याज आपका पूरा, कितना हो गया 11 आपका हो गया चक्रवृद्धि ब्याज। आपको क्वेश्चन में प्रिंसिपल देगा तो प्रिंसिपल के सामने रख दीजिए, कितना है प्रिंसिपल आपका 3000, यूनिट में देगा 25, क्वेश्चन में देगा 3000। ठीक है, तो 25 का अगर आप डिवाइड करेंगे 3000 में तो कितने टाइम जाएगा, 25 एकम 25 और 25 दूनी 50, यानी 120 टाइम चला जाएगा। तो देखिए इससे आपको सब कुछ फाइंड हो जाएगा, तो इस 120 का आप जहां जहां गुणा करोगे वो आपका आंसर फाइंड होता चला जाएगा। तो ब्याज कितना है, अगर ब्याज में आप 120 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 12 एकम 12 और 12 एकम 12 13, यानी कि 1320। तो अमाउंट होता क्या है, अगर आप प्रिंसिपल में चक्रवृद्धि ब्याज को ऐड कर देंगे तो ये आपका अमाउंट हो जाएगा, यानी कि इन दोनों को ऐड कर दीजिए। ठीक है, 3000 में इतना ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 0, 2, 3 और 4, यानी 4320 रुपये, ये हो जाएगा आपका अमाउंट। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर, आपसे अगर साधारण ब्याज पूछता तो आप इसमें भी 120 का मल्टीप्लाई कराते तो आपका साधारण ब्याज फाइंड हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए दिया गया चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ठीक है, प्रिंसिपल आपको फाइंड आउट क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 10000 रुपये, रेट ऑफ परसेंट आपको दे रखी है 10%, टाइम दे रखा है आपको 3 ईयर, सीआई पूछा यार आपसे क्वेश्चन में, रेट ऑफ परसेंट का फ्रैक्शन आता है 10% का, 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10, नीचे वाली वैल्यू होगी प्रिंसिपल होगी। ठीक है, 10 रुपये आपने किसी से उधार लिए, 10% की दर से ब्याज दिए, तो ब्याज कितना दिया होगा, 1 रुपये, तो आपके लिए क्या होगा ऊपर ब्याज। मूलधन में अगर आप ब्याज को ऐड कर देते हैं ये क्या बन जाता है हमारा अमाउंट, यानी कि 10 रुपये पे 1 रुपये ब्याज दिया है, टोटल कितना दिया होगा 11 रुपये। ठीक है, नीचे कितना होगा प्रिंसिपल 10 रुपये, कितने वर्ष का, 3 वर्ष का, तो आप क्या कीजिए इसका क्यूब कर लीजिए दोनों का, 2 वर्ष का होता तो स्क्वायर कर लेते। ठीक है, 11 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 1331, 10 का क्यूब होता है 1000। ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल हो गया, ये आपका अमाउंट हो गया, यानी कि आपने 1000 रुपये उधार लिए थे, 1331 रुपये चुकता किए, बस ये समझ लीजिए। तो ब्याज कितना दिया होगा आपने, 331 रुपये, 1331 में से 1000 घटा दीजिए, 331 रुपये आपका हो गया सीआई। ठीक है, आपको क्वेश्चन है प्रिंसिपल फाइंड है कितना है, 10000 रुपये, तो प्रिंसिपल के सामने रख दीजिए, इसका आप इसमें डिवाइड देंगे तो कितने टाइम्स आएगा, 10 टाइम्स आएगा। ठीक है, 1000 का 10000 में डिवाइड देंगे तो 10 टाइम्स आएगा, तो ब्याज भी इससे कितना होगी, 10 टाइम्स होगी, तो कितना हो जाएगा 3310 रुपये आपकी होगी ब्याज। अगर आपसे मूलधन मिश्रण पूछता तो आप यहाँ भी 10 का डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर देते, कितना हो जाता, 13310 रुपये, ये आपका हो जाता मिश्रण। ठीक है, अब उसको आपको दूसरे पैटर्न से दिखाता हूँ। मैंने आपको बताया कि प्रिंसिपल कितना दे रखा है 10, कितने वर्ष का, 3 का, तो इसका क्यूब कर लीजिए, कितना हो जाएगा 1000। ठीक है, नीचे वाली वैल्यू प्रिंसिपल होती है, 3 वर्ष का निकालना है तो इसका क्यूब कर लीजिए, कितना हो गया 1000, तो 3 ब्याज लगेंगे इस पर। ठीक है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर की, अब समझना। ठीक है, पहली ब्याज लगेगी वो 1/10 लगेगी, इस पर भी 1/10 और इस पर भी 1/10। अगर 1000 का 1/10 निकालेंगे तो देखिए 1 0 काट दीजिए, कितना बचेगा 100, यानी पहली साल 100 रुपये ब्याज मिलेगी ऐसे, इसका निकालोगे तो दूसरी साल भी 100 रुपये और इसका निकालोगे तो तीसरी साल भी 100 रुपये हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से प्रोसेस चलते हैं कि ब्याज पर ब्याज लगना। तो देखिए इससे पहले कोई राशि तो है नहीं है, ठीक है, लेकिन सेकेंड ईयर वाली जो ब्याज है ये फर्स्ट ईयर वाली ब्याज पर लगेगी, सेकेंड ईयर वाली ब्याज फर्स्ट ईयर की ब्याज पर लगेगी और सेकेंड ईयर पर मिलेगी। ठीक है, तो आप इस पर लगाइए 1/10। ठीक है, सेकेंड ईयर वाली ब्याज फर्स्ट ईयर की ब्याज पर लगाइए तो आपको सेकेंड ईयर में प्राप्त हो जाएगी, तो 100 का 1/10 निकालेंगे तो 10 ही होता है। ठीक है, इस पर लग गई। अब बची हमारी थर्ड ईयर की ब्याज,
तो देखिए थर्ड ईयर की बैच जिस जिस पर लगेगी वो थर्ड ईयर पे ही मिलेगी। तो देखिए थर्ड ईयर की बैच किस किस पर लगेगी, डबल टेप कर दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए। थर्ड ईयर की बैच है वो इस पर लगेगी, इस पर भी लगेगी और इस पर भी लगेगी, यानी कि सेकेंड ईयर की बैच पर भी लगेगी, फर्स्ट ईयर की बैच पर लगेगी और सेकेंड ईयर की बैच पर भी लगेगी, ठीक है। यानी कि इन तीनों पर लगेगी, कौन सी, थर्ड ईयर वाली, और थर्ड ईयर पर ही मिलेगी वो, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हम इस पर लगा लेते हैं कितनी, 1/10, तो ये थर्ड ईयर पर प्राप्त हो जाएगी। अगर 100 का 1/10 निकालेंगे तो 10 ही आएगा, ठीक है। अब देखिए जी ब्याज पर ब्याज भी लगा देते हैं हल्की यार, सेकंड ईयर की, तो उस पर भी 1/10 लगाई आप, तो कितनी हो जाएगी, 1 रुपये हो जाएगी, ठीक है। देखिए इस पर लगा के थर्ड ईयर पर मिल गई, ब्याज पर ब्याज लगा के थर्ड ईयर पर मिल गई, अब इस पर रह गई है बस, तो इस पर लगाएंगे आप 1/10, तो ये कहाँ मिलेगी, इस पर मिल जाएगी 10, ठीक है। ठीक है, तो देखिए ये वाला, ये टोटल है ना, ये हो गया आपका साधारण ब्याज का, कितनी होगी साधारण ब्याज, 100, 200, 300। अगर आप सारा ऐड कर लेंगे पूरा ही पूरा, 100, 200, 300, 10, 20, 30 और एक 31, यानी 331, ये हो गया आपका चक्रवृद्धि ब्याज, 331 आपको हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। आपको क्वेश्चन में प्रिंसिपल फाइंड है तो प्रिंसिपल के सामने रख दीजिए, कितना है प्रिंसिपल, 10,000, इससे कितना गुना है, ये 10 गुना है, तो जिस जिसमें आप 10 का मल्टीप्लाई करेंगे वो आपका आंसर आएगा। हमसे ब्याज पूछिए तो इसमें 10 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, कितना हो जाएगा, 3310, यानी जो आएगी चक्रवर्ती ब्याज। अगर साधारण ब्याज पूछती तो इसमें मल्टीप्लाई करा देते, अगर साधारण ब्याज चक्रवर्ती ब्याज के बीच अंतर पूछता तो इसमें मल्टीप्लाई करा देगा, इसमें से इसको घटा देते तो वही इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी धन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवर्ती मिश्रण 6655 रुपए हो जाता है, वह धन ज्ञात कीजिए 3 वर्ष तक का ब्याज रहा हो। तो आपको प्रिंसिपल फाइंड कराया था क्वेश्चन में, रेट ऑफ परसेंट आपको दे रखी है 10%, अमाउंट दे रखा है आपको इस बार 6655 रुपए और टाइम दे रखा है आपको 3 ईयर का। तो सबसे पहले रेट ऑफ परसेंट से स्टार्ट करते हैं, 10% का फ्रैक्शन बनाएंगे आप तो कितना बनेगा, 1/10, नीचे वाली वैल्यू आपकी प्रिंसिपल होती है हमेशा। मान के चलिए 10 रुपए पर 10% की दर से ब्याज कितना लगेगा, 1 वर्ष का 1 रुपये, ठीक है, यूनिट में। तो 10 में प्रिंसिपल में अगर हम ब्याज को ऐड कर देते हैं तो हमारा अमाउंट बन जाता है, तो 10 और 1 कितना हो गया, 11, 11/10, ये हो गया आपका प्रिंसिपल, ऊपर हो गया आपका अमाउंट, कितने वर्ष का है, 3 ईयर का। तो आप क्या कीजिए, दोनों पे क्यूब कर दीजिए, 11 का क्यूब होता है 1331 और 10 का क्यूब होता है 1000, नीचे वाली वैल्यू होगी प्रिंसिपल, ऊपर वाली होगी आपकी अमाउंट, यानी कि यूनिट में आपकी 1 है प्रिंसिपल है और यूनिट में आपका 1331 अमाउंट है। आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अमाउंट दे रखा है इस बार, तो अमाउंट के सामने रख दीजिए, कितना दे रखा है, 6655 रुपये। आप इसका इसमें डिवाइड देंगे तो ये 5 टाइम्स चला जाएगा इसमें, तो प्रिंसिपल भी कितना होगा, 5 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा प्रिंसिपल, 5000 रुपये, ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। आप इसको दूसरे पैटर्न से भी कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था प्रिंसिपल मान लीजिए कितना है आपका, 10 ये दे रखा है जो आपका, ठीक है, कितने वर्ष का है, 3 वर्ष का, तो क्यूब कर लीजिए कितना हो जाएगा, 1000, ठीक है। तो इस पर 3 ब्याज लगेंगी, 3 वर्ष का दे रखा है तो फर्स्ट ईयर पे, सेकेंड ईयर पे और थर्ड ईयर पे, ठीक है। फर्स्ट ईयर पर कितनी ब्याज लगेगी, 1/10, सेकेंड ईयर पे भी 1/10 और थर्ड ईयर पे भी 1/10, ठीक है। तो 1000 का 1/10 निकालेंगे तो आपको 100 निकलेगा, सेकेंड ईयर पे भी 100 हो जाएगा और थर्ड ईयर पे भी 100 हो जाएगा। अब समझिए देखिए ब्याज पे ब्याज कैसे लगानी है आपको, तो देखिए फर्स्ट ईयर की ब्याज से पहले कोई ब्याज नहीं है तो यानी कि ये वाली ब्याज नहीं लगेगी आगे, ये वाली देखिए सेकेंड ईयर की जो ब्याज है वो फर्स्ट ईयर की ब्याज पर लगेगी और सेकेंड ईयर की ब्याज पर प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो पहले इसी को निकालते हैं कि फर्स्ट ईयर की, सेकेंड ईयर की जो ब्याज है फर्स्ट ईयर की ब्याज पर लगेगी और सेकेंड ईयर पर प्राप्त होगी, ठीक है। तो 1/10 लगाइए इस पर, कितनी निकलेगी, 100 का 1/10 निकालेंगे तो कितना निकल जाएगा, 10 ही निकलेगा, ठीक है। तो ये वाली ब्याज इस पर लगी और यहाँ पर प्राप्त हो गई। अब देखिए ये वाली जो ब्याज है 1/10 थर्ड ईयर वाली, तो ये थर्ड ईयर पर ही मिलेगी, ठीक है। किस किस पर लगेगी, देखिए एक तो सेकंड ईयर पर लगेगी, एक फर्स्ट ईयर पर लगेगी, एक सेकंड ईयर की ब्याज पे ब्याज पर लगेगी, ठीक है। यानी कि इन तीनों पर लगेगी और थर्ड ईयर पर ही प्राप्त होगी। जो सेकंड ईयर वाली ब्याज थी वो केवल फर्स्ट ईयर की ब्याज पर लगी और सेकंड ईयर पर प्राप्त हो गई। अब देखिए जो थर्ड ईयर वाली ब्याज है वो सेकंड ईयर पर लगाइए और थर्ड ईयर पर वो मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ लगा देते हैं इसको, 100 का 1/10 निकालेंगे तो 10, अब इस पर लगा देते हैं, ठीक है, 1/10, 10 का 1/10 निकालेंगे तो 1, और अब इस पे लगाते हैं, ठीक है, 1/10 फर्स्ट ईयर की लगी थी तो इस पे निकालेंगे तो 10,
यानी कि ये वाला पार्ट आप पूरा जोड़ोगे तो ये आपका साधारण ब्याज बनेगा, अगर ये वाला पूरा जोड़ोगे तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा। ठीक है, तो आपको देखिए 300 रुपये तो आपका साधारण ब्याज हो गया, और पूरा ऐड कर देंगे 100, 200, 300, 10, 20, 30 और 31, यानी चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा आपका 331 रुपये आपका हो गया चक्रवृद्धि ब्याज। आपको क्वेश्चन में प्रिंसिपल फाइंड करवा रहा है और दे क्या रखा है आपको क्वेश्चन में, अमाउंट दे रखा है। तो देखिए सबसे पहले अमाउंट बनाते हैं, प्रिंसिपल की 1000 यूनिट है और कंपाउंड इंटरेस्ट की 331 यूनिट है, तो अमाउंट क्या होता है पी प्लस सी आई। तो प्रिंसिपल कितना आपका 1000 यूनिट में दे रहा, और सी आई कितना निकला 331 यूनिट में, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1331, ये आपका हो गया अमाउंट। तो अमाउंट क्वेश्चन में आपको कितना दे रखा है 6655 रुपये, आप इसमें इसका डिवाइड देंगे तो 5 टाइम्स आएगा, आप 5 का नया गुणा करेंगे वो आंसर आ जाएंगे आपके। तो आपसे प्रिंसिपल पूछा है, इसका 5 का मल्टीप्लाई करा दीजिए तो प्रिंसिपल कितना हो गया 5000 रुपये। आपसे अगर चक्रवर्ती ब्याज पूछता तो यहाँ भी 5 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, कितना हो जाएगा 5 × 5 = 3×15 और 3×15 = 16, यानी 1655 आपका क्या हो जाता था ब्याज हो जाता, ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में किसी धन का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर 8 रुपये है, तो वह धन ज्ञात करिए। देखिए रेट ऑफ परसेंट आपको कितनी दी है क्वेश्चन में, 4%। ठीक है, ब्याज की दर से टाइम दे रखा है आपको 2 वर्ष का। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में जो आपका अंतर दे रखा है सी आई माइनस एस आई में जो डिफरेंस दे रखा है वो 8 रुपये का दे रखा है। आपसे प्रिंसिपल फाइंड करवाया जा रहा है क्वेश्चन में, यानी कि 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के अंतर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर 8 रुपये, तो वह धन ज्ञात करो, यानी कि आपसे प्रिंसिपल फंड कराया जा रहा है। तो रेट ऑफ परसेंट निकालिए, 4% के फ्रैक्शन में आएंगे तो 4 ऊपर लिखेंगे और 100 नीचे, 4 के इसमें डिवाइड लगा दिए, 4 × 1 = 4 कितना हो जाएगा, 4 × 2 = 8, 4 × 2 = 20, यानी 25, 1/25। नीचे वाली वैल्यू आपकी प्रिंसिपल होती है हमेशा, तो देखिए मान के चलिए कि आपका प्रिंसिपल कितना है 2500 रुपये, आपको कितने वर्ष का दिया है 2 वर्ष का, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए कितना हो जाएगा 625 रुपये। ठीक है, यूनिट पर 625 रुपये आ गया आपका। 2 ब्याज लगानी है इस पर, फर्स्ट ईयर पे और सेकंड ईयर पे, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की 2 ब्याज लगेंगी इस पर। तो पहली ब्याज लगेगी 1/25 सी वाली, और दूसरी ब्याज लगेगी 1/25। 625 का अगर आप 625 का अगर आप 1/25 निकालोगे तो 25 टाइम्स ही जाएगा, कितने टाइम जाएगा 25 टाइम्स। तो देखिए फर्स्ट ईयर पे हो गई 25 और सेकंड ईयर पे भी हो जाएगी 25, यानी कि 625 का 1/25 निकालोगे तो फर्स्ट ईयर पे ब्याज मिलेगी 2500 रुपये, 625 का सेकंड ईयर पे निकालोगे तो इस पर भी मिलेगी आपको ब्याज 2500 रुपये। अब देखिए इससे पहले कोई ब्याज नहीं है तो यानी कि ये वाली ब्याज नहीं लगेगी, सेकंड ईयर वाली ब्याज जो है वो फर्स्ट ईयर की ब्याज पे लगेगी और सेकंड ईयर पे प्राप्त हो जाएगी। तो ये वाली ब्याज आप क्या कीजिए इस पर लगाइए और यहाँ पे इसको प्राप्त हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 1/25, यानी सेकंड ईयर की ब्याज फर्स्ट ईयर की ब्याज पे लगेगी और सेकंड ईयर पे प्राप्त होगी। तो 25 का 1/25 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 1। तो देखिए ये वाली वैल्यू आपकी हो गई साधारण ब्याज 2 वर्ष का, क्या हो गया साधारण ब्याज हो गया, कितना हो गया जी 2500 रुपये, ये 2 वर्ष का साधारण ब्याज हो गया। अब देखिए टोटल जोड़ लीजिए 25, 25 और 1 कितना हो गया टोटल 51, यानी कि सी आई कितना हो गया आपका 51। तो क्वेश्चन में देखिए आपसे पूछा है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर 8 है, जरा यूनिट में देखना अंतर कितना है, साधारण ब्याज 50 है और चक्रवृद्धि ब्याज 51 है, तो यहाँ पे यूनिट में जो अंतर आ रहा है 1 यूनिट का आ रहा है, कितने का अंतर आ रहा है 1 यूनिट का, क्वेश्चन में अंतर दे रखा है आपको 8 का, क्वेश्चन में कितने का अंतर दे रखा है 8 का, अगर आप इसका इसमें डिवाइड देंगे तो 8 टाइम्स आएगा। ठीक है, तो 8 का बेटा आप क्या कीजिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करा दीजिए प्रिंसिपल में, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8×5 = 40, कैरी 4, 8×2 = 16, 16×4 = 20, कैरी 2 और 8×6 = 48, 49×50 यानी 5000। तो ये कितना हो जाएगा आपका प्रिंसिपल 5000। अगर आप और चेक करना चाहते हैं तो 8 का मल्टीप्लाई यहाँ करा लीजिए सी आई में, तो ये कितना हो जाएगा सी आई इसका 5×8 = 40, 400। ठीक है, और 8 का गुणा यहाँ करा लीजिए आप, ठीक है 8×8 और 5×40, तो देख सकते हैं ये 408 आपका क्या आ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज आ रहा है आपका 400 और 408 में डिफरेंस कितना आ रहा है 8 का ही आ रहा है, यानी चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज के बीच अंतर कितने का आ रहा है 8 रुपये का, ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
किसी धन के 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के बीच अंतर 3100 रुपए है। तो यदि ब्याज की वार्षिक दर 10% तो धन ज्ञात कीजिए। समझिए प्रिंसिपल आपसे फाइंड कराया जा रहा है, टाइम दे रखा है आपको 3 ईयर का, CI माइनस SI इनके बीच जो डिफरेंस दे रखा है 3100 रुपए का दे रखा है और रेट ऑफ परसेंट दे रखी आपको 10%। तो सबसे पहले 10% का फ्रैक्शन बनाते हैं, 10% का फ्रैक्शन बनाओगे तो कितना मिलेगा 1/10। नीचे वाली वैल्यू आपकी प्रिंसिपल होगी, मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो देखिए मान के चलिए कि प्रिंसिपल आपका 10 है, कितने ईयर का है 3 ईयर का निकाला, तो इसका क्यूब कर लीजिए कितना हो जाएगा 1000, ठीक है। इस पर 3000 लगेंगी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर। फर्स्ट ईयर पे जो ब्याज लगेगी वो लगेगी 1/10, सेकंड पे भी 1/10 और थर्ड ईयर पे भी 1/10। इसका निकालेंगे 1000 का 1/10 निकालेंगे तो 100 निकलेगा, सेकंड ईयर पे भी 100 आ जाएगा और थर्ड ईयर पे भी 100 आ जाएगी, ठीक है। 1/10 निकाला, इसका भी 1/10 निकाला, तीनों पे आ गया ये ब्याज। अब लगेगी ब्याज पर ब्याज। अब समझिए इससे पहले कोई ब्याज तो है नहीं तो ये तो लगेगी नहीं, ठीक है। लेकिन ये वाली जो ब्याज है इससे पहले एक ब्याज दे रखी है फर्स्ट ईयर वाली, तो ये इस पर लगेगी और सेकंड ईयर पे मिलेगी, यानी सेकंड ईयर की जो ब्याज है फर्स्ट ईयर की ब्याज पर लगेगी और सेकंड ईयर पर प्राप्त होगी। तो आप इसका 1/10 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा ये 10, ठीक है। अब देखिए ये लग चुकी है, अब ये लगेगी नहीं कहीं, ठीक है। अब जो थर्ड ईयर वाली ब्याज है वो देखिए इस पर भी लगेगी, इस पर भी लगेगी और इस पर, यानी तीनों पर लगेगी, ठीक है। और कहाँ पे मिलेगी, थर्ड ईयर में ही प्राप्त होगी। तो हम पीछे से लगाते हैं, सबसे पहले इस पे लगाएंगे कितनी 1/10, ये वाली ब्याज है जो डबल टेप कर दी जाए इस पर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाली ब्याज इस पे लगाइए 1/10, तो कितना हो गया ये 1 हो जाएगा। अब ये वाला रहेगा तो इस पे भी लगा दीजिए 1/10, कितना हो जाएगा ये 10। अब क्या कीजिए, देखिए ये वाला जो पार्ट होता है ये होता है साधारण ब्याज का, किसका ऐसा ही होता है। ये कितना हो गया ऐसा ही आपका 300। अब पूरा आप ऐड कर लेते हैं, पूरा आप अगर ऐड कर लोगे तो ये कितना हो जाएगा CI हो जाएगा, CI कितना हो जाएगा आपका 331। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है चक्रवर्ती और साधारण ब्याज के बीच अंतर दे रहा है 3100 रुपए, और यहाँ पे देखिए इनके बीच अंतर कितना आ रहा है, दोनों के बीच 300 रुपए साधारण ब्याज है, चक्रवर्ती ब्याज आपका 331 हो गया, तो अंतर कितना हो गया 31 का। क्वेश्चन में अंतर कितना देगा आपको 31 का, तो इसके समान रख दीजिए, ये यूनिट में निकला है, इससे ये कितना गुना है 1 गुना है, तो प्रिंसिपल भी इससे कितना गुना होगा 1 गुना होगा, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा इसका 1000 रुपये। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि आपको हमारी न्यू वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।